55 forms of जब हम मार्केट्स को डिस्कस करते हैं तो वहां पे डिफरेंट टाइप के कंपटीशन प्रिवेल कर सकते हैं हम मार्केट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं कि मार्केट इज ऑपरेटिंग अंडर परफेक्टली कम्पिटिटिव स्ट्रक्चर आर मार्केट इज ऑपरेटिंग अंडर इम परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर अब जो भी फर्म प्रोड्यूस करेगी वो कितना प्रोड्यूस करेगी कौन से इनपुट चूज करेगा ये सब डिपेंड करेगा कि वहां पे किस टाइप का कंपटीशन है जब हम बात करते हैं मार्केट इज ऑपरेटिंग अंडर परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट देन दैट परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट है सर्टन करेक्टरिस्टिक्स जब हम बात करेंगे विद रेफरेंस टू नंबर ऑफ फर्म्स तो अंडर परफेक्टली कंपिटेटिव मार्केट देयर आर मैनी फर्म्स आर देर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स इन दैट पर्टिकुलर मार्केट दैट आर प्रोड्यूसिंग सेम आउटपुट फिर वहां पे क्या होगा देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट क्या जी एनी फर्म कैन एंटर इन अ पर्टिकुलर बिजनेस टू प्रोड्यूस आउटपुट इफ फर्म इज ऑपरेटिंग अंडर परफेक्टली मार्केट जी जहां, और प्राइस पे क्या इन्फ्लुएंस होगा एक सिंगल फर्म का या सिंगल एंटिटी का इट हैज नो इन्फ्लुएंस ओवर द प्राइस दैट प्रिवेल्स इन द मार्केट और जब आप प्रोडक्ट्स की नेचर की बात करोगे अंडर परफेक्टली कंपिटेटिव मार्केट प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस इन नेचर और जब आप इम इम कंपिटेटिव मार्केट की बात करोगे तो अगर इनमें से कोई एक भी करेक्टरिस्टिक्स होल्ड ना करे तो हम कहेंगे फर्म इज ऑपरेटिंग अंडर इम्परफेक्टली कंपिटेटिव मार्केट कुछ इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकते अंडर मार्केट स्ट्रक्चर इन मार्केट देयर आर ओनली फ्यू सेलर्स अगेन वहां पे क्या होगा देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस और जब आप नेचरल प्रोडक्ट की बात करोगे इट माइट बी पॉसिबल दैट प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिफ्रेंशिएटेड इन नेचर तो तब आप क्या कहोगे फर्म देर आर फ्यू फर्म्स सो मार्केट स्ट्रक्चर इज ऑलिगोपली और अगर हम इसी पैटर्न पर बात कर लें देर इज ऑनली अ सिंगल सैलर तब आप क्या कहोगे दैट फर्म इज ऑपरेटिंग अंडरफेक्टली कम्पिटेटिव मार्केट बट दैट मार्केट इज कार्ड एज मोनोपली फर्म इज ऑपरेटिंग अंडर मोनोपली सो अंडर परफेक्टली कंपिटेटिव मार्केट वी कैन से फर्म हैज नो कंट्रोल ओवर प्राइस मार्केट प्राइस इज गिवन फर्म हैज नो कंट्रोल ओवर द प्राइज और फर्म किस तरह अपने मैक्सिमाइज प्रॉफिट करेगी फर्म कैन मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट बाय डिसाइडिंग अबाउट द लेवल ऑफ आउटपुट दैट इट प्रोड्यूसेस जब आप इमरफेक्टलीटिव मार्केट में जाओगे देन क्या होगा फर्म हैज सम कंट्रोल ओवर प्राइसेस कि अगर मैं सिर्फ एक of, एक पॉइंट पॉइंट ऑफ के रेफरेंस में बात करूं कि अंडर परफेक्टली कंपिटेटिव मार्केट फर्म हैज नो कंट्रोल ओवर प्राइस दैट प्रिवेल्स इन द मार्केट वाइल अंडर इम्परफेक्टली कंपिटेटिव मार्केट फर्म कंट्रोल ओवर प्राइसेस जब हम किसी भी फर्म की बात करेंगे तो वहां पे ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म क्या होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट जब हम इस सारे को डिस्कस करें टू फार्मर, तो फार्मर क्या है फार्मर इज अ क्लोज एग्जांपल ऑफ अ फर्म दैट ऑपरेट अंडर परफेक्टली कंपिटेटिव मार्केट हाँ जी ऐसा क्यों है कि जब हम फार्मर के रेफरेंस में बात करते हैं देयर आर नंबर ऑफ फार्मर दैट आर प्रोड्यूसिंग सेम आउटपुट हाँ जी आउटपुट की नेचर क्या है होमोजीनियस वीट दैट इज प्रोड्यूस बाई वन फार्मर हाँ जी वही वीट कोई दूसरा भी प्रोड्यूस कर रहा है और अगर हम वहां पर बात करें डेरियर्स की इन द परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन अ फार्मर टू प्रोड्यूस वीट आर अदर क्रॉप